The internet is full of bro science fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat Sri Dosto friends, Doctor Paramjeet. You are Doctor Education. This Fitness and Nutrition. Aur, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की सीरीज हम फिर से शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ को शुरू करते हुए ऑब्वियसली जब हम आपको स्टेरॉइड्स के बारे में बता रहे हैं तो सबसे जरूरी है आपका ये डिसाइड करना कि आपको लेना चाहिए या नहीं और उसके साइड इफेक्ट्स को जानना और स्टेरॉइड से किसी भी प्रकार के एनाबॉलिक सप्लीमेंट से देर इज़ अवज पॉसिबिलिटी ऑफ योर हार्ट आपका दिल बड़ा हो जाए जी हाँ बड़ा दिल कहने के लिए अच्छा होता है लेकिन एक्चुअली में अच्छा नहीं होता गेटिंग एन एनलार्ज हार्ट मतलब आपके हार्ट की मसल बड़ी हो जाए जो आपको आगे चल के मेजर प्रॉब्लम कर सकता है सांस फूलने से लेके हार्ट फेलियर से लेके हार्ट कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि क्यों कैसे आपके स्टेरॉइड्स या आप कोई भी हार्मोन एनाबॉलिक सप्लीमेंट आपके हार्ट को बड़ा कर सकता है सी हार्ट एक मसल है और उसके अंदर भी एंड्रोजन रिसेप्टर्स है किसी भी टिश्यू में अगर एंड्रोजन रिसेप्टर है तो अगर आप उस एंड्रोजन रिसेप्टर को एनाबॉलिक ज़्यादा दोगे स्टेरॉइड ज़्यादा दोगे ऐसे हार्मोन दोगे ऐसी दवा दोगे चाहे उसका कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट दोगे चाहे उसका कोई और चीज़ दोगे जो एनाबॉलिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और मसल ग्रो करता है तो वो आपके हार्ट मसल को भी ग्रो करेगा एंड यहां पर जो ग्रोथ हो रही है हार्ट के मसल की हो रही है तो इसका रिस्पॉन्स है स्टेरॉयड हॉर्मोन का और इसमें क्या है नॉर्मली भी इसीलिए हम ये देखते हैं कि आदमियों का हार्ट जो है फीमेल से फीमेल से थोड़ा बड़ा होता है वहाँ मसल मास ज़्यादा होता है और क्योंकि वहाँ पर स्टीरोड यानी टेस्टोस्टिर हार्मोन ज़्यादा होता है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेवल पे करने से आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेन भी आता है और उस तरीके से भी हार्ट की मसल जो है वो एक्स्ट्रोआर्डिनरीली ग्रो हो सकती है अगर आप अनकंट्रोल या बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे बहुत ही ज़्यादा इशू करते रहेंगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज अगर हम बात करें एनारोबिक की एनारोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी आपका स्टेरॉयड लेवल टेस्टोस्टिर और हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डाल के हार्ट का साइज़ बड़ा करके वेंट्रिकल वॉल हार्ट के वेंट्रिकल्स होते हैं उनके वॉल्स बड़े कर सकते हैं इसमें भाई साहब देखो ऐसा है अंदर की जो जो आपके छाती का साइज है जो आपके हार्ट के आसपास कवर है जो कमरा है हार्ट का वो नहीं बड़ा हो रहा सिर्फ हार्ट बड़ा हो रहा है मतलब अगर कमरा बड़ा कर, कमरे की दीवार मोटी होने लग जाए और कमरा बड़ा ना हो तो अंदर की जगह छोटी होने लग जाएगी ना सिंपल प्रॉब्लम क्या है हार्ट बड़ा हो गया दिल बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि अब आपके दिल में कम खून भरेगा और ये चीज़ आपके हो रही है मेन इशू इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक री ऑफ द हार्ट कॉन्सेंट्रिक मीन चारों तरफ से रीमॉडलिंग हो रही है अब इसमें अच्छी बात यह है एंडियोरेंस यानी कि एक्सरसाइज आप अगर देखते हैं तो इसके जहां पर हार्ट के साइज बड़ा होता है लेकिन इस एंड्योरेंस एक्सरसाइज के साथ आपके हार्ट की इंटरनल जो कैविटी है वो भी बड़ी होती है मतलब के अंदर की जगह छोटी नहीं हो रही है अंदर की जगह भी बड़ी हो रही है हार्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है इफ यू आर डूइंग एरोबिक एथलेटिक एंड्योरेंस एक्सरसाइज मतलब कार्डियो कार्डियो करता अच्छा है आपके हार्ट के लिए इसे बोलते हैं कार्डियो एक्सरसाइज करो हार्ट के लिए अच्छा है सो so वो क्यों अच्छा है एक कारण ये है सो इट ऑल्सो इट इंक्रीजेज योर हार्ट मसल पावर मसल साइज एज वेल एज द कैटी भरना क्या होगा मसल बढ़ती जाएगी तो कैविटी छोटी होती जाएगी जो हार्ट पहले सौ एम एल भरता था और पचास एम एल भरेगा तो टेक्निकली उसकी कैपेसिटी आधी रह जाएगी सो तो आपको हार्ट फेलियर जैसे सिम्टम आ जाएंगे सांस फूलने लगेगा सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि कॉन्सेंट्रिक या जो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हार्ट की रीमॉडलिंग इज वेरी डेंजरस जो कि कांस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को भी रिस्क है स्टेरॉइड लेने वाले पेशेंट को भी रिस्क है रेगुलर पूरा पूरा दिन तीन तीन चार चार घंटे एक्सरसाइज करने वालों पर भी रिस्क है सो यू हैव टू रेगुलरली चेक योर हार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि आपका रिमॉडलिंग हो रही है इससे आपका सिस्टोलिक फंक्शन में पंपिंग पावर में प्रॉब्लम आता है सौ एम की जगह पचास एमएल भरेगा तो पहले सौ में से अगर वो सौ uh, में से साठ भी साठ एम बाहर फेंकता था अब भरी पाँच पचास रहा है तो पचास में से साठ कहाँ से भेजेगा पचास में से तीस भेजेगा चालीस भेजेगा तो आपके हार्ट का फंक्शन पहले साठ परसेंट जाता था अब तीस चालीस परसेंट रह जाएगा समझ रहे तो पावर है और एथलेटिक हार्ट में वो रहता है लेकिन अगर एक कॉन्सेंट्रिक एलवीएच बढ़ता जा रहा है हार्ट के अंदर की कैपेसिटी छोटी हो रही है तो आपका हार्ट उतना ही नहीं पाएगा सो डायस्टोलिक फंक्शन भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी स्टीरोइड वालों लोगों में सो तो ये सब में नहीं होता कुछ लोगों में ज्यादा कुछ लोगों में कम खासकर जो अनरेगुलेटेड डोजेज लेते हैं पागल सामान ये भी ज्यादा वो भी ज्यादा खून खार डोजेसर के लेते हैं उनमें जरूर हो जाता है और मैंने खुद ऐसे दो तीन पेशेंट्स हमारे खुद हमारे पास आते हैं स्टीरोयड लेने के लिए तो उसकी एडवाइस लेने के लिए वो साइड इफेक्ट्स की एडवाइस के लिए तो हमें पता चल जा जाता है भाई तुम्हारा हार्ट का इको करके देखेंगे इको में बड़ा आता है सो तो इसमें क्या होता है एक और अच्छी बात है इसमें ये थोड़ा बहुत डायनामिक है हार्ट मसल डायनामिक होता है तो अगर आप मान लो रेगुलर ट्रेनिंग बंद कर देती हो और स्टेरॉइड बंद कर देती हो तो वॉल थिकनेस और कैविटी एक्सपेंशन जो है थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है बट पूरा नहीं याद रखो इट कैन रिड्यूस इट टेंस टू रिड्यूस दैट इज द पॉइंट सो एनाबोलिक एब्यूजर जो होते हैं जो ले रहे हैं खुद से या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं इनके राइट right और लेफ्ट वेंट्रिकल रिवॉल्व जो हार्ट के दो चेंबर है दोनों के दोनों बड़े हो सकते हैं वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी हो सकता है वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी से हार्ट फेलियर कैसे होता है उसके क्या साइड इफेक्ट है वो उसके ऊपर अलग से यूट्यूब चैनल मेन चैनल पर वीडियो है हाइपोट्रॉफी भाई साहब इज एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड है प्रूवन है मेजर रिस्क है एनाबॉलिक स्टीरोयड का एंड्रोजेनिक एबूजर्स का सबका सो अगेन नेचुरल पावर एथलीट्स नेचुरल लोगों में भी ये पाई जा सकती है ये बात नहीं है कि नेचुरल को नहीं कोई रिस्क है आपको समझना पड़ेगा आप अपने बॉडी पे हा, हा, आपको स्ट्रेस दे रहे हो तो रेस्ट भी देना पड़ेगा और स्टीरोयड वालों पे उसका रिस्क 20 गुना 25 गुना 50 गुना बढ़ जाता है ऐसा मान लीजिए इसका कोई अंकलन नहीं है लेकिन बढ़ जाता है स्टीरोड मच मोर प्रोफाउंड रिस्क मान लीजिए इसके पैथोलॉजिकल इश्यूज जो अगर होंगे जैसा मैंने कहा हार्ट फेल होने लगेगा तो वो दिक्कत आदि शुरू हो जाती है जब वेंट्रिकुलर वॉल 13 एम mm, 13 तेरह mm एमएम से ऊपर आ जाता है नेचुरली वो 13 एम mm से ऊपर नहीं जाता नेचुरल नेचुरल यूजर का स्टीरोयड से वो 20 एम mm तक भी जा सकता है और इतना बड़ा हो गया तो कैविटी तो भाई साहब आपकी ना के बराबर रह जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर है कि अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करते हुए मरेगा तो वो इसके ये कारण हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा हो जाती है प्रिडिक्टर ऑफ मोर्टिलिटी और स्पेशली अगर आप ओवरवेट है आज तो चलो एक्सरसाइज कर रहे हो आज फिटो कल छोड़ दी हार्ट पूरा छोटा नहीं होगा ओवरवेट हो गए मोटे हो गए उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर हो गया और देर विल बी सडन अरेस्ट सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम बिकॉज इट इज लिंक टू उसके साथ आपके रिदम प्रॉब्लम आ सकती है एट्रियल फिब्रिलेशन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन सडन कोलैप्स डेथ तो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए स्टीरोइड्स के साइड इफेक्ट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका बहुत है उसमें क्यूटी डिस्पर्सन भी हो सकता है स्टीरोड एब्यूज में एलवीएच के साथ एलवीएच के बाद और क्यूटी डिस्पर्शन से हाइपरटेंशन अगर साथ में एलवीएच भी है तो रिदम प्रॉब्लम के चांसेस डबल हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं कह लीजिए डबल तो नहीं इसको कॉन्टिफाई नहीं कर सकते पर बढ़ जाते हैं so, सो आपको ऐसे केसेस लॉन्ग टर्म स्टीरोड अब्यूज से ज़्यादा होते हैं अगर एक आध बार लिया है तो इतना रिस्क नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़र है इस गेम में है तो ये बातचीत आपको लिए बहुत ज़रूरी है तो so, अपने हर इस दोस्त को यह वीडियो ज़रूर भेजिए जो इस गेम में है और स्टीरोड के लिए स्टीरोयड लेते रहते हैं और इस तरीके की चीज़ों में सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज वेंटिकुलर हाइपोट्रॉफी वेंटिकुलर हाइपोकेसिस एक हिस्सा कम काम करना डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन पम्पिंग पावर कम हो जाना ये बहुत जरूरी है तो इसमें अगेन इसमें कई बार स्टीरॉइड करंट स्टेट पर डिपेंड करता है कि अगर आप स्टीरोड ज्यादा ले रहे हैं हार्ट और बड़ा हो गया कम ले रहे हैं और थोड़ा छोटा हो गया तो इस तरह से हार्ट स्टीरोइड जैसे मसल बड़ी छोटी होती है हार्ट भी बड़ा छोटा होने लग जाता है ये भी देखा गया है ये इफेक्ट जो हार्ट का है अगर आप बंद कर देते हैं तो कम हो जाए तो याद रखिए साइकिल से सा आपको बीच बीच में ड्रॉप करनी है जो कंटिन्यूस कंटिन्यूस बीच बीच में अपनी कटिंग दिखाने के लिए लेते रहते लेते रहते वो सबसे ज़्यादा रिस्क में और सबसे ज़्यादा खतरनाक है तो ऐसे काम ना करें डॉक्टर से बात करें अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो ईको कार्डियोग्राफी ईको कार्डियोग्राफी कराएं ईको कार्डियोग्राफी ईको टू डी इनसे पता चल जाएगा आपको किस प्रकार की इशू है इवन अगर आप खासकर अगर आपको अब एक्सरसाइज करते हुए सांस फूलने लग गया है इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग एल्स सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कवर करना था आई होप आपको समझ आई बात बहुत डरना भी नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको नज़र पर रखना होता है सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी वन एंड दिस सीरीज विल गो ऑन फर्स्ट लेट मी कवर द साइड इफेक्ट्स इन कंप्लीट पूरे एक्स्टीरोइड के साइड इफेक्ट्स फिर मैं आपको साइकिल्स के बारे में पीसीटी के बारे में सब के बारे में मैं सही नॉलेज दूंगा थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी